तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक वेब डिज़ाइनर क्लाइंट की क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो नंबर वन, कस्टमर कांट फाइंड अस ऑनलाइन। तो जो आपके क्लाइंट होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कस्टमर्स उनके जो हैं वो उनको ऑनलाइन नहीं ढूंढ पा रहे, इसीलिए वो शायद आपसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, या मे बी उनकी वेबसाइट हो बट उनकी वेबसाइट विजिबल नहीं है गूगल के ऊपर, या उनकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में नहीं आ रही, तो वो आपसे वेबसाइट रीडिज़ाइन या रिवैम्प करवाना चाहते हैं, या उसे बेटर तरीके से रीडिज़ाइन करवाना चाहते हैं ताकि उनकी वेबसाइट गूगल के ऊपर शो अप हो सके। नंबर टू, कस्टमर डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी डू। तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ है तो मे बी उनकी वेबसाइट पुअरली डिज़ाइंड हो, अगली वेबसाइट डिज़ाइन हो, या फिर उनकी कॉपी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है वेबसाइट के ऊपर, इसीलिए जो उनके कस्टमर हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करते हैं, या फिर बहुत ही थिन कॉन्टेंट हो सकता है, दो तीन सेक्शन और वेबसाइट ख़त्म, तो इतने में किसी को समझ नहीं आता कि वो वेबसाइट किस बारे में क्या वो है और वो उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो इस क्वेश्चन को लेके भी क्लाइंट आपके साथ आ सकते हैं और आप इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं कैसे, उनकी कॉपी राइटिंग इम्प्रूव करके और वेबसाइट को रीडिज़ाइन करके। नंबर थ्री, कस्टमर डोंट ट्रस्ट अस। तो बेसिकली अगर एक वेबसाइट है जो कि अच्छी है, सब कुछ है, बट उसमें सोशल प्रूफ नहीं है, टेस्टिमोनियल्स नहीं है, वीडियो टेस्टिमोनियल नहीं है, कोई रेटिंग्स रिव्यूज़ वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे कस्टमर्स जो होते हैं क्लाइंट के वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अगर ऐसा है तो आप उनको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं और आप उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कस्टमर कांट बाय ऑनलाइन फ्रॉम अस। सिंपली क्यों ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनकी वेबसाइट में पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं है, या फिर उनकी वेबसाइट में ऐड टू कार्ट वाला फीचर नहीं है, तो आपको उनकी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में टर्न करना है और ताकि लोग उनकी वेबसाइट से कुछ भी चीज़ें प्रोडक्ट को खरीद सकें, परचेज कर सकें। इसके अलावा ये भी हो सकता है, कस्टमर कैंट फाइंड द राइट इन्फॉर्मेशन, या फिर कस्टमर कांट बुक सर्विसेज ऑनलाइन। तो इसमें भी सेम चीज़ें, आपको वहाँ पर बुकिंग इंटीग्रेशन करना है, कैलेंडरी वगैरह लगाना, अपॉइंटमेंट बुकिंग वाला कुछ प्लगइन या टूल वहाँ पे यूज़ करना है, और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है उसे राइटली प्रेजेंट करना है वेबसाइट के ऊपर, अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि क्लाइंट के कस्टमर्स को वेबसाइट अच्छे से समझ आए। नॉट इनफ विजिटर्स आर कन्वर्टिंग। तो ये भी एक क्लाइंट का प्रॉब्लम हो सकता है जिसे वेब डिज़ाइनर सॉल्व करते हैं। अगर किसी की वेबसाइट कन्वर्ट नहीं हो रही, जो उस पर व्यूअर आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, लीड्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो मे बी वहाँ पे कन्वर्जन की प्रॉब्लम है। तो आप एज ए वेब डिज़ाइनर वहाँ पे आप कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, उनकी करंट वेबसाइट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, क्या ये स्लो लोड हो रही है, या फिर इसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, या ये वेबसाइट कलर्स अच्छे नहीं है और ट्रस्टवर्दी नहीं लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इस वेबसाइट पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, और वहाँ पे जाके आप क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कन्वर्जन बेटर करके, जिसे हम कहते हैं CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आर कॉम्पिटिटर्स हैव बेटर वेबसाइट, या फिर वी डोंट लुक प्रीमियम, इस तरीके की क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, उनके कॉम्पिटिटर के ऊपर रिसर्च करके देख के कि उनके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट कैसी है, उससे बेटर वेबसाइट आप उन्हें बना के दे सकते हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए सॉल्व करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं, या आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाई थी कि आप एक किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक वीडियो बनाएं कि हम एज अ वेब डिज़ाइनर क्लाइंट की क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। अभी भी पॉइंट्स बाकी हैं तो वीडियो को छोड़ना मत। इसके अलावा हो गया द वेबसाइट लुक्स बैड ऑन मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी अभी भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वेब के लिए बनी है, जो केवल डेस्कटॉप PC पे चलाने के लिए बनी है, उनकी जो मोबाइल वर्जन होता है वो बेसिकली डेस्कटॉप वर्जन ही होता है, और हमें पिंच एंड जूम करके इधर उधर जाना पड़ता है, नेविगेट करना पड़ता है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती है। तो एक ये प्रॉब्लम भी एज अ वेब डिज़ाइनर आप क्लाइंट की सॉल्व करते हो, जिसमें आप उनकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाते हो, और जब वेबसाइट एक मोबाइल फ्रेंडली होती हो तो वो गूगल पे भी अच्छे से शो अप होती है, क्योंकि गूगल सपोर्ट करता है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स को, क्योंकि जो वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आता है अराउंड 90%
90% इंटरनेट का ओवरऑल ट्रैफिक इज़ थ्रू मोबाइल फ़ोन, ओनली 10% ही डेस्कटॉप या कंप्यूटर से आता है, 90% जो ट्रैफिक इंटरनेट पे सब मोबाइल के थ्रू आता है। तो इसीलिए हमेशा जो आपका वेब डिज़ाइन अप्रोच होना चाहिए वो मोबाइल फर्स्ट होना चाहिए। आपको हमेशा जो वेबसाइट बनानी चाहिए वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज होनी चाहिए हमेशा, और मोबाइल के लिए ही सबसे पहले आपको वेबसाइट बिल्ड करनी चाहिए, देन आपको डेस्कटॉप स्टाइल की डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बनानी चाहिए। इसके अलावा लास्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है क्लाइंट की वो ये है कि वी लुक आउटडेटेड या फिर आर वेबसाइट डजंट लुक गुड। तो इस केस में क्या कर सकते हो, मे बी उन्होंने 2015-16 पाँच साल 10 साल पहले वेबसाइट बनाई हो जो कि उस टाइम पे मे बी वो उसका डिज़ाइन अच्छा था, बट आज के टाइम पे वो डिज़ाइन बहुत ही आउटडेटेड लग रहा है, बहुत ही पुराना लग रहा है, ओल्ड और बोरिंग लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट रीडिज़ाइन, आप उनके लिए नई मॉडर्न प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो जिसे देख के वो भी इम्प्रेस हो जाएं और आपको अच्छा खासा पैसा भी दे दें, ठीक है। तो आप इस तरह से आप उनके लिए काम कर सकते हो। बाकी अगर आपको जानना है कि एक सिक्स फिगर फ्रीलांसर जो होता है जो लाखों चार्ज करता है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर चार्ज करता है, वो किस तरीके से एक प्रोफेशनल अप्रोच लेके चलता है वेब डिज़ाइन में, तो आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर की एक प्रोसेस को। तो मिलता हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ, सी यू, बाय बाय।